बिहार में लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर जो फॉर्मूला है उस पर एनडीए का पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो 6 सीटें चिराग पासवान को केवल देना नहीं चाहती है, हालांकि चिराग पासवान को बनाए रखना चाहती है एनडीए। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या फॉर्मूला पार्टी की तरफ से तय किया जाएगा, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए के दलों के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। सियासी गलियारों में बीजेपी जेडीयू नहीं बल्कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया है और जल्द ऐलान हो जाएगा। ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूं कि मैं किस दिन नाराज हूं, मैं किस दिन खुश हूं। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करें। वहीं एनडीए के घटक दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद है कि जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को पुराने फॉर्मूले पर सीट देने का प्रस्ताव रखा है। 2019 में एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी, तब एलजेपी में कोई टूट नहीं थी, लेकिन अब चाचा भतीजे की पार्टी अलग अलग है। इस चुनाव में बीजेपी 6 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 4 सीट चिराग पासवान की एलजेपी आर को और 2 सीट पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को देने को तैयार है। वहीं हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा दोनों दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी के प्रस्ताव को चिराग और पशुपति पारस मानते हैं या कोई और फैसला लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सीटों का बंटवारा बाकी है। कुछ छोटे दल के नेता एनडीए का हिस्सा हैं, उनके खाते में क्या आता है। और इसी के साथ फिर